तो भाई मेरे साइड में कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन, जिसको भी कोई दिक्कत हो वहाँ पर जाके कंप्लेन करवा सकता है। भाई लाइन में लग चुके हैं, पीछे एक बार देखो कितना लंबा लाइन लग गया। हम लोग अभी 5 मिनट खड़ा हुआ यहाँ पे आगे, और देखो पीछे पूरा लंबा लाइन लग गया, और आगे तो भाई कम से कम जाना पड़ेगा 800 मीटर। भाई चप्पल यहाँ पर निकाला है, अगर कोई ले गया इतना गाली दिलवाऊंगा उसको ना, मैं क्या बता। और यहाँ पर एक खास बात है, ये जो व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है ना, अगर आप उस पे चलोगे आपका पैर ठंडा रहेगा, और कहीं रखोगे भाई बहुत जलेगा। और भाई जो हमारे साथ में खड़े हैं, इनका नाम है अभय मौर्या जी, ये अपने लखनऊ से हैं भाई और एयरफोर्स में जॉब करते हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, उनके छोटे और बड़े बच्चों, जैसे कि आपको मालूम होगा हम लोग आए थे कन्याकुमारी। हम लोग भाई आए थे, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। अब तक ने अगर आप पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा हम लोग भाई नहा के फिर सके खाने के लिए जा रहे थे, और अभी हम लोग चल रहे हैं खाने के लिए, उसके बाद स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में चलेंगे। और अभी तो हम निकल चुके हैं खाना खाने के लिए, भाई बहुत तेज से सबके पेट में भूख लगा है, चलेंगे देखेंगे खाने के लिए क्या है। हम लोग का तो भाई सबका मन खाने का है बिरयानी। और भाई मेरे साइड में कन्याकुमारी पुलिस स्टेशन, जिसको भी कोई दिक्कत हो वहाँ पर जाके कंप्लेन करवा सकता है, ठीक है। और यार रोड यहाँ का मस्त है, पूरा नीट और क्लीन, बहुत ही मस्त लग रहा है देखने पर। एक छोटा सा होटल सा हम लोग वहाँ पर आ गए हैं खाने के लिए, और हमारे दिलीप भाई और पिंटू भाई और विनय भाई, ये सब पूरी लिए हैं भाई और सब्जी लिए हैं, बाकी मेरा बिरयानी है अभी, इसमें सलाद वलाद लेकर आ रहे हैं, और हम सब आराम से यहाँ पर बैठ के खा रहे हैं। लेकिन वो बहुत फास्ट खा रहा है, देखो देखो यार देखो, अरे भाई बिरयानी भाई मेरा सब कुछ आ गया है इधर में, सलाद है, प्याज और रायता जिसको हम लोग बोलते हैं, दही का। और अभी खाना स्टार्ट कर दिया हूँ मैं भी, खाने के बाद मिलता हूँ आपसे फिर एक बार। A few moments later. और अभी चल रहे हैं हम भाई बोट लेने के लिए, बोटिंग करेंगे, और मतलब बोटिंग में चलेंगे वहाँ पर स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। और अभी उधर ही चल रहे हैं टिकट काउंटर के पास, देखते हैं कितना लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, वो तो वहाँ पर चलने के बाद ही मालूम चलेगा। क्या 75 रुपया टिकट है, स्पेशल का इधर है 300 रुपया। चटा स्पेशल टिकट का कितना? 300 रुपया स्पेशल। और भाई लाइन में लग चुके हैं, वहाँ पर हमने एक चश्मा खरीदा था, यहाँ पर भैया अन्ना फिर हम लोग के पीछे पड़ गए हैं, ये चश्मा ले लो ये चश्मा ले लो। और भाई मेरे पीछे एक बार देखो कितना लंबा लाइन लग गया, हम लोग अभी 5 मिनट खड़ा हुआ यहाँ पे आगे, और देखो पीछे पूरा लंबा लाइन लग गया, और आगे तो भाई कम से कम जाना पड़ेगा 800 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर के आसपास में हमको नंबर लगा के इसे लाइन लगा के चलना पड़ेगा केवल बोटिंग करने के लिए। इस साइड में यार दुकान भी है, बहुत सारा शॉप है, खाने पीने का, कपड़े का, मिरर का, बहुत कुछ आपको जो लेना है वो ले सकते हो लाइन में लगे लगे, क्योंकि ये लाइन जल्दी हिलने वाला नहीं है। हमारा लाइन आगे से ख़त्म हो रहा है, पीछे से उतना ही लाइन बड़ा हो रहा है, मतलब कुछ समझे दया? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है आदमी आ रहे हैं भर भर के, गाड़ी भर भर के आदमी आ रहे हैं वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि कन्याकुमारी का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वही है भाई। और भाई कितना अच्छा हुआ यार हम लोग 300 रुपया फूके नहीं, बहुत अच्छा किया यार जो हमने स्पेशल टिकट नहीं लिया। आधे घंटे के अंदर में भाई जहाँ से स्पेशल टिकट वालों का नंबर स्टार्ट होता है हम लोग वहाँ पर आ गए हैं, बहुत अच्छा किया भाई। जिंदगी में कोई काम ऐसा किया जिससे इंडिया घाटे में नहीं है, फायदे में है। यहाँ पे भाई बहुत सारा स्टॉप भी है, आप खरीद सकते हो जो लेना हो लाइन में ही, बाकी इधर से लाइन लगा है हमको यहाँ पर जाना है। ये वाला स्पेशल का है, ये वाला हम लोग जो लाइन लगा के गए हैं। ₹75 आप यहाँ पर देख सकते हो पर पर्सन के लिए। सोना है, सोना ए कितना हजार? नहीं नहीं वो सोना नहीं है, वो देख कर ही चमक रहा है भाई, सोना एक कर बेच रहे हैं, मतलब
सोच रहे हैं पूरा ब्लैक मनी हमारे पास है। नहीं है भाई, कितना बार बताना पड़ेगा, हम लोग कंगाल हैं। यहाँ पर तो अभी जितना आए उतना और चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर धूप नहीं है, छाव है। धीरे धीरे खत्म हो रहा है भाई लाइन, फास्ट नहीं लेकिन कोई बात नहीं, खत्म तो हो रहा है यार। चलो भाई, टिकट तो हमको मिल गया, ये रहा, और हम लोग अंदर आ गए हैं। अभी देखो आसमान से गिरे खजूर पेड़ के, अभी यहाँ पर बैठना पड़ेगा मुझको लगता है। ओहो, सच में बैठना पड़ेगा यार, लेकिन सीन यहाँ का मस्त, देखो गजब, हवा बराबर आएगा। आ गए हैं बाहर की तरफ, बहुत धूल उड़ रहा है यार, और यहाँ से अब हम लोग चलेंगे भाई स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर। और भैया एक लाइन में और खड़े हैं, जेंट्स अलग लेडीज अलग, जेंट्स का भाई बहुत लंबा लाइन है, कोई बात नहीं। भाई चप्पल यहाँ पर निकाला है, अगर कोई ले गया इतना गाली दिलवाऊंगा उसको ना, मैं क्या बता। और अभी एक एक स्टेप करके आ गया ऊपर भाई। और यहाँ पर एक खास बात है, ये जो व्हाइट कलर का पट्टी दिख रहा है ना, अगर आप उस पे चलोगे आपका पैर ठंडा रहेगा, और कहीं रखोगे भाई बहुत जलेगा। ये लोग भाई नहाने के बाद अभी मुंह धो रहा है, देखो मैं तो पहले से धो के रखा है बिस्लेरी पानी में। चलो अभी चलते हैं पूरा टॉप, वन स्टेप ऊपर चलो भाई, जिंदगी का यही वसूल है, डायरेक्ट ऊपर जाओगे तो डायरेक्ट नीचे भी आओगे। और भाई हवा तो बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है, मतलब साउंड क्लियर नहीं जा रहा होगा, लेकिन भाई हम लोग टॉप पे आ गए हैं, और यहाँ पर बहुत छांव है और बहुत ठंडा हवा लग रहा है। यहाँ पर हम बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं। कन्याकुमारी हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का संगम भी है, इसे त्रिवेणी भी कहते हैं। और भाई जो हमारे साथ में खड़े हैं, इनका नाम है अभय मौर्या जी, ये अपने लखनऊ से हैं भाई और एयरफोर्स में जॉब करते हैं, यहाँ पर आए हैं टूर पे, हमको समझ लो अचानक से मुलाकात हो गए, और भाई मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं इनके इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भाई यहाँ पे फोटो भी लगाऊंगा, आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और भाई विवेकानंद रॉक मेमोरियल को 1970 ईस्वी में बनाया गया था, और ये नीले और लाल ग्रेनाइट पत्थरों से भाई इसको बनाया गया था, और ये समुद्र तल से 17 मीटर ऊंचाई पे पत्थरों के चोटी पर बनाया गया है, और ये जगह लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है भाई। समुद्र का लहर उधर आ रहा है, बौछार यहाँ तक आ रहा है। जूता 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 है। मतलब भैया गाली खाने से सब लोग बचिए। आपको कैसा लगा आपका जूता यहाँ पर मिल गया, सही सलामत, कोई गाली नहीं खाया ना? वाह। और भाई यहाँ पर तो केवल लाइन का खेल चल रहा है, हम लोग वापिस जा रहे हैं बाहर की तरफ, और भाई फिर भी यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं।
हर जगह लाइन पे खेल रहे। और गाइस हम लोग आ गए हैं बाहर, और चलो यहाँ पर थोड़ा करते हैं शॉपिंग, उसके बाद आपको आगे का प्लान बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अभी लगा है बहुत प्यास, छोटा बड़ा वाला 2 लीटर सेवन अप पीना है। हाँ दे दो। और पूरे लीटर पानी बेलम 1 लीटर हाँ नॉर्मल बैठो गिलास। बहुत प्यास लगा था यार। और भाई कम से कम 3-4 शीशा हम लोग ले लिया, 3 इसमें है, बाकी एक बड़ा वाला, बहुत बड़ा वाला दिलीप भाई ने लिया है, बाकी एक और आ गया। रखो रखो सब रखो, अपना अपने शादी में सब यूज करना। चढ़ाया के वाला पूरा अलग अलग रहेगा। और भाई झूमर का तो यहाँ पर भंडार है, आप देख सकते हो कितना ज्यादा और कितना खूबसूरत लग रहा है, मस्त एकदम। पूरा मिरर रखा है। और गाइस ये है केरला साड़ी, केरला में ये बहुत ज्यादा फेमस है, और इसको भाई हम लोग ले रहे हैं 8 पीस, पूरा भर जाएगा भाई, तो केरला का सबसे ज्यादा फेमस है। आज भाई सच में यार इतना खुशी मिल रहा है ना, मैं क्या बताऊँ, 4 साल काम करते हुए हो गया लेकिन अभी तक 1 रुपए का साड़ी माँ को नहीं दिया, आज जाके भाई कन्याकुमारी आया हूँ, यहाँ से लेकर जाऊँगा माँ के लिए साड़ी। तो गाइस फाइनली हम लोग ने रूम ले लिया है, और अपने रूम पर आके बैठ के 1/2 घंटा हो गया भाई यहाँ पर आए हुए। इस वीडियो को करता हूँ इधर ही खत्म, अभी हम लोग कन्याकुमारी में ही है, और अभी हम लोग भाई पूरा अच्छे से फ्रेश होके और अब जा रहे हैं भाई, आपको नाइट लाइफ कन्याकुमारी का दिखाएंगे, और यहाँ का फूड क्या कैसे खाना है क्या करना है सब कुछ आपको दिखाएंगे A to Z। और अभी हम रूम से निकल रहे हैं और चल रहे हैं एक न्यू ब्लॉग बनाने के लिए, कन्याकुमारी नाइट लाइफ।